नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीपीएफ खाता समय से पहले बंद करने की अनुमति देने की तैयारी। प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक जरूरतें पूरा करने के लिए लघु बचत योजनाओं को समय से पहले बंद करने का विकल्प देने का प्रस्ताव। नाबालिग के नाम से भी लघु बचत योजनाओं में निवेश का प्रावधान। नागालैंड और मेघालय के 3 दिन के दौरे पर कोहिमा पहुंची चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत की अगुवाई में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। त्रिपुरा में 18 फरवरी को मतदान से पहले चरम पर चुनाव प्रचार। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप। जांच के बाद पुलिस ने की मुकदमा चलाने की सिफारिश। नेतन्याहू का इस्तीफे से इनकार, कहा सभी आरोप बेबुनियाद। और विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। 73 रन से 5वां वनडे जीतकर दक्षिण अफ्रीका में पहली वनडे सीरीज पर कब्जा। 115 रन बनाने वाले रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में जुटे भक्त। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय से गूंज रहे हैं शिवालय। देश भर में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। सरकार ने पीपीएफ खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने और नाबालिग के नाम पर लघु बचत खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित कानूनी बदलावों का मकसद लघु बचत योजनाओं के तहत आने वाले खातों के परिचालन में लचीलापन लाना है। मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि पीपीएफ कानून को दूसरे कानूनों के साथ मिलाते समय मौजूदा सभी संरक्षणों को बरकरार रखा जाएगा। विधेयक के तहत मौजूदा लाभ सुनिश्चित करने के साथ जमाकर्ताओं को नए लाभ का भी प्रस्ताव किया गया है। इसमें गंभीर बीमारी के इलाज और उच्च शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरी करने के लिए लघु बचत योजनाओं को समय से पहले बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक में किए गए प्रावधानों के तहत एक लाभ ये भी है कि लघु बचत योजनाओं में निवेश नाबालिग के नाम से भी किया जा सकता है। विधेयक में जमाकर्ताओं को किसी आपात स्थिति में पीपीएफ खाता 5 साल से पहले बंद करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल पीपीएफ समय से पहले यानी 5 वित्त वर्ष पूरा होने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। लघु बचत योजनाओं पर बैंक जमा की तुलना में ब्याज ज्यादा मिलता है और कुछ लघु बचत योजनाओं में निवेश पर आयकर का भी लाभ मिलता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों में हताशा है, इस वजह से हाल के दिनों में सेना पर हमले तेज हुए हैं। ये बातें आज उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं के आतंकी संगठनों में शामिल होने पर चिंता भी जताई। They all are hand in glove, whether it is HM, LET or the Jaish-e Mohammed. So there is no differentiation, I would say. One, they keep jumping from one tanzeem to other. So for us, we are concerned, anyone who has picked up an arm and is against the state, he is a terrorist and we deal with them. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इंडिया गेट से जल मिट्टी रथ यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देशों में रहने वाले लोगों में दहशत पैदा करने के लिए ताकतवर नहीं बनना चाहता है। रथ यात्रा का मकसद भारत को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं होकर राष्ट्र निर्माण है। 18 से 25 मार्च के बीच आयोजित होने वाले राष्ट्र रक्षा महायज्ञ के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इसके तहत देश के चारों धामों से जल और मिट्टी लाई जाएगी। महायज्ञ में महिलाओं का सम्मान, संविधान, पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, साफ सफाई, मतदान का अधिकार, भ्रष्टाचार से मुक्ति और जातिवाद को खत्म करने जैसे 8 प्रण लिए जाएंगे। यह यात्रा कोई सरकार बनाने के लिए अथवा किसी सरकार को बिगाड़ने के लिए नहीं निकाली जा रही है। यह रथ यात्रा यदि निकाली जा रही है तो राष्ट्र निर्माण के लिए यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। अन्य रथ यात्राओं से यह सर्वथा भिन्न है। उद्देश्य क्या है? हमारा राष्ट्र पूरी तरह से सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र समृद्धशाली रहे, हम अपने राष्ट्र को सशक्त, स्वाभिमानी, स्वावलंबी
और समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। सीमा पर तनाव और सैन्य शिविरों पर हो रहे आतंकी हमलों के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारी मात्रा में असॉल्ट राइफल, हल्की मशीन गन और स्नाइपर राइफल्स खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में 15,935 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये फैसला तीनों सेनाओं की जरूरतों के मद्देनजर लिया गया है। तीनों सेनाओं के लिए तेज प्रक्रिया के तहत 1,819 करोड़ रुपए के बजट की लाइट मशीन गन खरीदी। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के लिए 7,40,000 बंदूकें खरीदने का भी फैसला लिया है। इसके लिए 12,280 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। सरकार 982 करोड़ रुपए की लागत से सेना के लिए 5,719 स्नाइपर राइफल्स भी खरीदेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एग्रीकॉन 2018 का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। कृषि विकास हेतु इंद्रधनुष क्रांति देश के किसानों के लाभ की एक नई पहल है। अनाज, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, रेशम कीट पालन को कृषि के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही किसान को उसकी उपज की उचित कीमत दिलाने में मार्केटिंग एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग की भूमिका को प्रोत्साहन दिए जाने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिकाओं के साथ सभी तरह के भेदभाव खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। दिल्ली में उज्ज्वला योजना की 100 से ज्यादा महिला लाभार्थियों से मुलाकात में कल प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने गांव में साफ सफाई रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पूरे गांव के वातावरण में सुधार होगा। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में महिला लाभार्थियों ने बताया कि रसोई गैस से कैसे उनके जीवन में सुधार हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हर घर को बिजली उपलब्ध कराने की केंद्र की सौभाग्य योजना का भी जिक्र किया। उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कुछ लाभार्थियों ने कुछ अन्य विशिष्ट विकास चुनौतियों की चर्चा भी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट संदेशों में उज्ज्वला योजना की कामयाबी पर खुशी जताई कि कैसे इस योजना ने लाभार्थियों का जीवन आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जी के आभारी हूं, उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से कुछ क्षण इन बहनों के लिए निकाला, उनको मिला, उनकी अनुभव सुना, उनकी अपने मन की बात कहा। बहुत बदलाव हो गया है मेरा। मेरे बच्चे सब बहुत भूखले चल जाता था स्कूल में, ऐसे अब उठते हैं सुबह में, उठ के बना के नाश्ता दे देते हैं। और मैं बादाम के काम करते हैं और लाई कुंती बनाते हैं, मेरा टाइम मिलता है सब हम कर लेते हैं काम। गैस पहले नहीं मिला था, उसमें हम लोग का ज़िंदगी बहुत ख़राब था, धुआं से सांस ख़राब होता था, खाना उना बनाने में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अब उज्ज्वला करने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है, कुछ घर का काम मम्मी पापा सबको देख लेते हैं। अच्छा लगा, माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को सेवा किए, उज्ज्वला गैस मिला है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के नागालैंड और मेघालय दौरे पर कोहिमा पहुंच गई है। आयुक्त ओपी रावत के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग की टीमें दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होने जा रहे चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। साथ ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे राज्य सरकार के आला अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राज्य में राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारकों के शामिल हो जाने से चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा का दौरा भी करने वाले हैं। वो दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतर बाजार और पश्चिम त्रिपुरा जिले के अगरतला में रैलियां करेंगे। सीपीएम की तरफ से वृंदा करात ने उत्तरी त्रिपुरा में जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ सीपीएम सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री मानिक सरकार आज सोनामुरा और सदर सब डिविजन में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में जोरों से जुटी है। वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण आज खेतपुर और रामनगर निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जोर शोर से प्रचार अभियान चला रही है। बीजेपी का मकसद 25 साल से सत्ता में वाम मोर्चा सरकार को बेदखल करना है। वहीं वाम मोर्चा शांति और स्थिरता के नारे के साथ फिर से चुनाव जीतने की कोशिश में है। केरल के बाद त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जहां वाम मोर्चा सत्ता में है। देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री माणिक सरकार को इस बार बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और मतदाताओं को लुभा रहे हैं। 69 साल के माणिक सरकार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस बार चुनाव में उनकी लोकप्रियता दांव पर है। राज्य में वाम मोर्चा 1978 से 1988 और फिर 1993 से लगातार सत्ता में है। इस बार माणिक सरकार को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। त्रिपुरा में अष्टम वामफ्रंट सरकार आएगा, ये तो सुनिश्चित है। और इस साल 6 अगरतला विधानसभा केंद्र भी हम लोगों का होगा, ये सुनिश्चित है। वामफ्रंट सरकार काम कर रहा है, आगे भी हम काम करते रहेंगे। हम जनगण के साथ है, पहले भी साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। माणिक सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 1998 में 11,012 रुपए से बढ़कर 2015-16 में 80,027 रुपए पर पहुंच गई है। 1998 में जहां साक्षरता दर 73.20% थी, वो अब बढ़कर 97.22% पर पहुंच गई है। त्रिपुरा में शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा जैसे स्वास्थ्य के मानक देश के औसत से बेहतर हैं। सामाजिक मानकों पर भी त्रिपुरा की स्थिति बेहतर है, लेकिन बेरोजगारी की अधिक दर और उद्योगों में विविधता नहीं होना अब भी बड़ी समस्या है। Since 25 years that sipping government is ruling here, throughout those 25 years there is no such development which the youths can take for them. First of all, there are unemployed out of 38 lakhs population, there are near about 10 lakhs youths are unemployed. They are not getting proper opportunities. Tripura ko purna rajya ka darja 1972 mein mila. यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव 1972 के मार्च महीने में हुए थे। त्रिपुरा की आबादी 30 लाख से ऊपर है, इसमें से एक तिहाई आबादी अनुसूचित जनजाति की है। माणिक सरकार की अगुवाई वाले वाम मोर्चा ने 1998 में विधानसभा चुनाव में 55, 2003 में 49, 2008 में 46 और 2013 में 49 सीटें जीती थी। If the CPM manages to hold on to its, floating vote, which it got earlier, they may still do well. But if BJP wins them over, BJP will put up a very strong fight. CPM सरकार का दावा है कि उसके राज्य में हिंसक अलगाववाद पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इससे राज्य में शांति और सामंजस्य बढ़ा है। CPM के सामने बड़ी चुनौती है अपने गढ़ को त्रिपुरा में बनाए रखने के लिए, क्योंकि जानकारों का मानना है कि अगर त्रिपुरा से निराशा हाथ मिली तो लेफ्ट के लिए पूरे देश में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। त्रिपुरा से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। त्रिपुरा में गुरुवार को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले प्रदेश बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को दो तिहाई बहुमत मिलने का भरोसा जताया है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जनता बदलाव चाहती है और ये चुनाव परिवर्तन के लिए है। मेरे साथ हैं त्रिपुरा के भाजपा प्रभारी मिस्टर सुनील देवधर, वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। आपने कहा है कि आप सीपीएम को और लेफ्ट सरकार को त्रिपुरा में उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन सीपीएम का साफ साफ कहना है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और लोग एक बार फिर सीपीएम पर ही विश्वास जताएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता जब कोई पार्टी 25 साल एक राज्य में सरकार पर रहती है, तब उसका ये कर्तव्य बनता है कि चुनाव का सामना करते समय 25 साल में उन्होंने क्या किया इसका रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, लोगों को बताए हमने आपके लिए ये किया है, इसलिए हमको ये चुनो। ये नहीं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो एक ही बात बोल रहे, बीजेपी को आने मत देना, ये नहीं बता रहे कि
उनको क्यों वापस लाना। इसलिए त्रिपुरा की जनता इस बार कतई सीपीएम को वोट देने वाली नहीं है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है बीजेपी को अपनी लहर पर, तो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ यहाँ पर? त्रिपुरा के चुनाव की विशेषता है सीपीएम हटाओ, लोगों के दिल में है, और इसलिए हमने जो नारा दिया है चलो पलटाए, लोग एक दूसरे को मिलते हैं ग्रीटिंग वर्ड चलो पलटाए हो गया है। तो ये परिवर्तन के लिए चुनाव है, किसी को स्पेसिफिक व्यक्ति को लाने के लिए नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड आवर चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। लेकिन आपका जो अलायंस आईपीएफटी के साथ है उसे बड़ा ही अनहोली अलायंस कहा जा रहा है, जो आपके विरोधी दल हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने आखिर क्यों एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया। जिनके विचारधारा में होली शब्द ही नहीं है वो अनहोली किसी को कैसे बोल सकते हैं। ये इनको ऐसा लगना स्वाभाविक है क्योंकि ये अलायंस होने के बाद इनकी हार सुनिश्चित हो गई है, और जैसे ये तय हुआ उसी दिन ये तय हुआ कि सीपीएम का यहाँ से सूपड़ा साफ हो जाएगा, और इसलिए भय के मारे वो होली अनहोली सब प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपने कहा है कि कांग्रेस, बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस अब सीपीएम की बी टीम की तरह काम कर रही है ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स हैं वो स्प्लिट हो जाएं। सीपीएम कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को थोड़ा पैसा दो, कांग्रेस को चुनाव लड़वाओ, कांग्रेस का एग्जिस्टेंस दिखाई दे, कांग्रेस के पोस्टर बैनर वही लगा रहे हैं ताकि ये 100-200 वोट कांग्रेस को अगर मिले तो एकाध दूसरा उनका कैंडिडेट निकल जाए। इनका इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि खुद के जीतने के लिए दूसरे किसी का प्रमोशन करने का वो प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल, अगर बीजेपी यहाँ पर जीतती है तो क्या एजेंडा है बीजेपी का त्रिपुरा के विकास के लिए? हम सबसे पहले त्रिपुरा को अच्छी कानून व्यवस्था देंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, हम सबकी उपेक्षा दूर करके एक श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाएंगे जो विकास की रफ्तार में बाकी राज्यों के साथ जाकर खड़ा रहेगा। 5 साल के अंदर इस राज्य से गरीबी को हम समाप्त कर देंगे। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू राज्यसभा टेलीविजन। अगरतला से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सीपीएम पोलित ब्यूरो की सदस्य और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन की अध्यक्ष सुभाषिनी अली ने त्रिपुरा में फिर वाम मोर्चे की सरकार बनने का भरोसा जताया है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है। उन्होंने सीपीएम सरकार पर किसी तरह के आरोपों से भी इनकार किया। मेरे साथ है सीपीएम लीडर सुभाषिनी अली। राज्यसभा टीवी में त्रिपुरा को लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर ली है और उसका ग्राफ भी लगातार तेज होता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब से केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी है और कांग्रेस हारी है, तब से कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, और वही प्रमुख कारण है कि बीजेपी आज अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन उसकी जो कमज़ोरी है वो इस बात से जाहिर होती है कि उन्होंने आखिर एक अलगाववादी ताकत से समझौता क्यों किया है यहाँ त्रिपुरा का चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल, जो सत्ता की ताकत है, पैसा की ताकत है, और मतलब बाहुबल की ताकत है, और उसके साथ साथ इस समझौते की ताकत है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर अपना कुछ अपने लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के लिए। वो भी जानते हैं कि जीतने वाले तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना चाहते हैं और वो अपने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। मैम, आपने कांग्रेस की बात करी, लेकिन एलिगेशंस लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर सीपीएम एंटी इनकम्बेंसी वोट्स को स्प्लिट कर रही है ताकि उसको फायदा हो। देखिए, जहाँ तक त्रिपुरा का सवाल है, कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का समझौता करने का तो सवाल ही नहीं होता है, वो तो यहाँ पर कभी भी संभव ही नहीं है। और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई आरोप सरकार के ऊपर नहीं लग रहा है। मैम, आपने कहा कि आरोप नहीं है, लेकिन लगातार करप्शन के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं आपकी पार्टी पर, उसको किस तरह से आप देखेंगे और कैसे वोटरों के पास? आरोप तो केवल ये 2-3 लोग ही लगा रहे हैं। आरोप जो एक है वो एक रोज वैली के स्कैम के बारे में, उसमें भी कोई किसी के ऊपर कोई ठोस आरोप नहीं है, और उस स्कैम की जांच पड़ताल के लिए तो हमारी ही सरकार ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी दिखाओ, और वो चल रही है पिछले 4 साल से। मैम, आखिरी सवाल, अगर एक बार फिर से त्रिपुरा की जनता आपको सत्ता पर काबिज करवाती है तो आप त्रिपुरा की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम तो त्रिपुरा की जनता से एक ही बात कहते हैं कि ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ जो भी संभव है यहाँ की जनता के विकास के लिए उसको हम जरूर करेंगे। शुक्रिया हमसे बात। अगरतला से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ।
कुछ और अहम खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस की पुरानी परंपरा बहाल करते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। प्रकार के लोग अपना नाम दर्ज करा रहे हैं उनसे मिलने के लिए एक एक हफ्ते पहले, तो बुधवार के दिन आज पिछले बुधवार को भी माननीय राहुल गांधी जी मिले थे और लोगों ने उनके सामने में बहुत से विचार रखे। जिन लोगों से अलग से मिलना था उनसे अलग से मिले, लेकिन आम आदमी की बात को सुनने का एक नायाब तरीका माननीय श्री राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अदालतों में मामलों के निपटारों में तेजी और चुस्ती लाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कल जाने माने एडवोकेट और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद और गौरी गोवर्धन की किताब के लोकार्पण के मौके पर यह बात कही। इस किताब में देश के कई जाने माने मुकदमों और उनके ट्रायल का जिक्र है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को और ज्यादा सक्षम बनाना समय की जरूरत है ताकि समय पर और सही न्याय लोगों को मिल सके। The administration of justice needs to be competent, swift, objective and efficient. Otherwise, the very purpose is lost and people lose the confidence in the system. Be it political management, administration or judiciary, things should be acted fast. There are reasons. I am not casting any aspersions on any system, but moreover, we are living in a new age, aspirational India. People's aspirations are very high, and we are also living in a situation where 65% of Indian population is below 35 years. कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसराइल में पुलिस ने जांच के बाद सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कथित भ्रष्टाचार के दो मामलों में आरोपित किया जाए। नेतन्याहू को औपचारिक रूप से आरोपित करने की जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल कार्यालय की है, जो इस पर फैसला लेने में हफ्तों या महीने का वक्त ले सकते हैं। इसराइल के सरकारी टीवी पर बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन आरोपों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी 3 दिनों की यात्रा पर गुरुवार को भारत आएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति हसन रूहानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नवीनतम क्षेत्र वैश्विक विकास पर चर्चा होगी। भारत और ईरान के बीच काफी समय से मजबूत संबंध हैं। चाबहार बंदरगाह के उद्घाटन के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत वित्तीय निवेश बड़ी मात्रा में कर रहा है। बात खेलों की। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर पहली बार वनडे सीरीज में जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गई है। इस वक्त टीम इंडिया टेस्ट और वनडे दोनों की रैंकिंग में नंबर 1 है। टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 मैचों की वनडे सीरीज जीत ली है। पोर्ट एलिजाबेथ में कल खेले गए 5वें वनडे में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 73 रनों से मात देकर 6 मैचों की सीरीज पर 4-1 से अजीब बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 42.2 ओवरों में 201 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया की जीत में सबसे अहम योगदान दिया रोहित शर्मा ने, जिन्होंने शतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 17वां शतक जमाते हुए 115 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान कोहली ने 36, शिखर धवन ने 34 और श्रेयस अय्यर ने 30 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम 42.2 ओवर में 201 रन पर ही ढेर हो गई। मेजबान टीम के लिए हाशिम अमला ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 57 रन देकर 4 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या के खाते में 2-2 विकेट आए। पोर्ट एलिजाबेथ वनडे में मिली इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 4-1 से अजीब बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का आखिरी और छठा मैच 16 फरवरी को खेला जाएगा।
Yeah, very pleased. Another convincing win for us. You know, I thought the guys really got stuck in with the bat and with the ball and in the field as well. So I think it was another complete performance from us and something that we needed to after the last game. But we had confidence and faith in ourselves as a group. And we knew we could repeat the same things that we did in the first three games. And you know, only one team has the pressure of losing the series in any situation from the last game on, and it was South Africa. So we knew that, you know, a few mistakes and we'll be right into the game. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर वनडे सीरीज में शानदार जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। दूसरी तरफ महिला क्रिकेट टीम का भी दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल खेले गए T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के 165 रनों के लक्ष्य को कप्तानी मिताली राज के नाबाद 54 रनों की पारी के बदौलत 18.5 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। देश का अग्रणी नाट्य संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व रंगमंच के सबसे लोकप्रिय उत्सव थिएटर ओलंपिक का आयोजन करने जा रहा है। नाटकों के इस महाउत्सव की शुरुआत 17 फरवरी से शुरू होगी। मंगलवार को इस महाउत्सव यानी 8वें थिएटर ओलंपिक के आयोजन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अब तक भारंगम नाम से नाटकों का सालाना जश्न मनाता आया है, लेकिन इस बार नाटकों का ये उत्सव भारी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ होगा। 17 फरवरी से शुरू हो रहे 8वें थिएटर ओलंपिक में 450 नाटक, 600 अन्य प्रस्तुतियां और 250 यूथ फोरम शो पेश किए जाएंगे। इनका आयोजन देश में 17 अलग अलग शहरों में एक साथ होगा। थिएटर ओलंपिक्स के माध्यम से हम किस तरह से भारत की अपनी कला संस्कृति को विश्व के लोगों के सामने शोकेस कर सकेंगे, तो बड़े जोश के साथ भारत संस्कृति मंत्रालय और एनएसडी ने इस जिम्मेदारी को उठाया। बहुत बड़ा आयोजन है, लगभग बड़ी संख्या के अंदर लोग विदेशों से यहाँ आएंगे, 65 विदेशी शो यहाँ पर होंगे, देश के 17 शहरों में होंगे और उसके साथ साथ फोक आर्ट के आर्टिस्ट का प्रेजेंटेशन भी होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 17 फरवरी को दिल्ली के लाल किले में थिएटर ओलंपिक का उद्घाटन करेंगे। ये समारोह 51 दिनों तक चलेगा। इस साल थिएटर ओलंपिक का विषय है मित्रता का ध्वज। हर रोज कई नाट्य गृहों और मंचों पर नाट्य प्रदर्शनों के अलावा इस महोत्सव में कई रंगारंग गतिविधियां भी होंगी, जिनमें सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप और नाट्य कर्मियों के साथ संवाद के अनेक कार्यक्रम होंगे। हम लगभग 450 नाटक, 600 अभियान परफॉर्मेंसेस, 250 यूथ फोरम के परफॉर्मेंसेस और ढेर सारी एलाइड एक्टिविटी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और वो केवल दिल्ली में एक स्थित शहर में आयोजित करना तो हमारे लिए बहुत संभव था, पर हमें लगा कि इस देश के कोने कोने के थिएटर समझने वाले, देखने वाले, सीखने वाले, उसका चिंतन करने वाले, पढ़ने वाले, इन सब लोगों तक थिएटर को पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस थिएटर ओलंपिक की परिकल्पना ग्रीक नाट्य निर्देशक थियोडोरस थियोडोपोलिस ने ग्रीस के डेल्फी में 1993 में की थी। भारत में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा नाट्य समारोह पहली बार आयोजित हो रहा है। 8वें थिएटर ओलंपिक में लगभग 30 देशों के नाट्य समूह शामिल हो रहे हैं, जहां 30 अलग अलग भाषाओं में होने वाले नाटकों में दुनिया भर से आए 25,000 से ज्यादा कलाकार शिरकत करेंगे। वंदना कुमारी, राज्यसभा टीवी। देशभर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, उज्जैन, औरंगाबाद और पुणे समेत कई शहरों में शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर देशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।